तो देखिए, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस फर्स्ट ऑफ ऑल किसके लिए एक सर्टेन एजम्पशन लिया गया है, आइडियल सिचुएशन, रियलिटी में ऐसा हो भी सकता और नहीं भी हो सकता है, करेक्ट। और यहाँ का एजम्पशन अगर आपके दिमाग में रहेगा तभी मैं आपको रियल गैस इक्वेशन समझा पाऊँगा, वैन डर वाल गैस इक्वेशन। तो एक्चुअली इसमें सबसे पहला एजम्पशन ये है कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज में जिस भी गैस का जिक्र किया गया है उसको आइडियल गैस माना गया है। देन सर, व्हाट द क्वालिटी ऑफ आइडियल गैस, ये सब सर्टेन पॉइंट में है। तो आइडियल गैस का पहला क्वालिटी ये है कि आइडियल सिचुएशन में गैस के मॉलिक्यूल का भी तो वॉल्यूम रहेगा, गैस का मॉलिक्यूल या एटम पार्टिकल ट्रीटेड लाइक अ स्फीयर, ये बोला गया है, टीनी पार्टिकल्स लाइक अ स्फीयर मॉलिक्यूल। अब यहाँ देखिएगा, मॉलिक्यूल का ये नहीं कि सर CH4 रहेगा तो इसका तो sp3 रहेगा, थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री रहेगा, उस पूरे को क्या ट्रीट किया गया है इस थ्योरी में, जस्ट लाइक ए टीनी पार्टिकल, करेक्ट। तो अगर स्फीयर हम लोग मानेंगे तो इसका भी तो एक वॉल्यूम रहेगा ऑक्यूपाई करने का, 4/3 πr³, करेक्ट। बट इस थ्योरी में गैस मॉलिक्यूल का जो खुद का वॉल्यूम रहेगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लोग इस क्लासरूम में अगर बैठे हुए हैं तो क्लासरूम का जितना भी वॉल्यूम रहेगा तो फ्री स्पेस क्या रहेगा हम लोग को वॉल्यूम को माइनस करके। अब जहाँ पे बैठे हुए वहाँ तो कोई गैस मॉलिक्यूल रहेगा नहीं ना, या कोई दूसरा बैठ नहीं सकता है, तो आपने ऑक्यूपाई कर लिया तो फ्री स्पेस, अगर इसमें फ्री स्पेस पूछेंगे तो पूरा वॉल्यूम निकाल लेंगे और बाकी आप हम लोग सबका वॉल्यूम को माइनस कर देंगे, चाहे बेंच हो या हम लोग है, राइट। तो ही क्या रहेगा, फ्री स्पेस अवेलेबल फॉर पार्टिकल। तो दैट, लेकिन यहाँ पे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में किसी भी मॉलिक्यूल जो कोई भी मॉलिक्यूल जो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड करेगा उसका वॉल्यूम कंटेनर के वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में क्या करना है, इग्नोर करना है, करेक्ट। इसका मतलब इस सिचुएशन में वॉल्यूम ऑफ द गैस इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर मान लेंगे, वॉल्यूम ऑफ द गैस इक्वल टू व्हाट, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, पहला पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट है कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में जो भी मॉलिक्यूल कंटेनर के साथ सरफेस के साथ या खुद के साथ भी कोलाइड करेगा वो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होगा, क्या होगा। तो भाई सर, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन का मतलब क्या होता है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी लॉस नहीं करता है। अच्छा, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी लॉस ही नहीं करेगा तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है 1/2 mv², और मास तो कॉन्स्टेंट ही है किसी एक पार्टिकल का, जिस पार्टिकल पर हम लोग गौर कर रहे हैं, कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, जिसके लिए बात कर रहे हैं। तो भाई काइनेटिक कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट, मतलब स्पीड कांस्टेंट रहेगा, इसका मतलब इलास्टिक कोलिजन में क्या कांस्टेंट रहेगा, वेलोसिटी नहीं बोल रहा हूँ, स्पीड कांस्टेंट रहेगा, जस्ट बिफोर कोलिजन, जस्ट आफ्टर कोलिजन, करेक्ट। सेकेंड थिंग है कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज में मॉलिक्यूल के बीच में देर इज नो अट्रैक्शन एंड रिपल्सन, इसका मॉलिक्यूल एक दूसरे से इतना डिस्टेंस पे मेंटेन किया जाता है, दैट्स वाई उसके बीच में अट्रैक्शन और रिपल्सन को हम लोग इग्नोर करते हैं। क्या करते हैं एवरीवन, रियलिटी में अट्रैक्शन रिपल्सन होता है बट यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। एक मिनट रुकिए, तो मान लेते हैं कि इस कंटेनर में मेरा एक क्यूबिकल कंटेनर है जिसका एज लेंथ ए है और मैंने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लिया डिरिवेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस क्यूबिकल कंटेनर में अगर गैस का मॉलिक्यूल्स है और इस गैस मॉलिक्यूल का अगर टोटल एनर्जी किसी एक मॉलिक्यूल का या पूरे गैस का इस सैंपल का अगर टोटल एनर्जी का बात किया जाए तो किसी भी गैस का अगर टोटल एनर्जी का बात करते हैं तो टोटल एनर्जी इक्वल टू उसमें बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। क्या बोलते हैं एवरीवन, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। और गैस के बीच में पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ देखिएगा यह लास्ट बेंच, ये जो मैं बोल रहा हूँ इसी एजम्पशन के भरोसे आप रियल गैस इक्वेशन समझ पाएंगे, करेक्ट। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के लिए एक गैस का खुद का अंदर का जो एनर्जी स्टोर हो गया कहीं पे जाकर उसको इंटरनल एनर्जी तो बोलते हैं, राइट। तो इस गैस के सैंपल का इंटरनल एनर्जी होता है सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। इसमें बहुत काम करना पड़ेगा, इसी पे फिजिक्स में ज़्यादा प्रॉब्लम रहेगा।
तो इन काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, या पोटेंशियल एनर्जी तभी जनरेट होगा जब देर इज अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन द मॉलिकल्स। बट यहाँ पर तो अट्रैक्शन रिपल्सन को काउंट में लेने के लिए बोला गया है या इग्नोर करने के लिए बोला गया है? इग्नोर करने के लिए बोला गया है, राइट। इसका मतलब है कि इंटरनल एनर्जी अगर पढ़ाएंगे तो लिखेंगे सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, बट पोटेंशियल एनर्जी को क्या मान लेंगे? जीरो। क्या बोलकर? बिकॉज देर इज नो अट्रैक्शन एंड रिपल्सन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, करेक्ट। इसका मतलब, ओके सर, इसका मतलब है कि ये सिर्फ मैं आइडियल गैस के लिए बात कर रहा हूँ, किसी दूसरे के लिए नहीं, राइट। फॉर एग्जाम्पल इसको आप ऐसे समझिए कि एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, राइट, और वो ऑसिलेट कर रहा है, करेक्ट है। तो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम ऑसिलेट कर रहा है, तो स्प्रिंग और प्लस ब्लॉक दोनों को काउंट करेंगे तो ब्लॉक का, अगर आइडियल स्प्रिंग है तो उसका मास जीरो होता है, बट दोनों को मिलाकर स्प्रिंग को पुल करते हैं तो उसमें आपने कुछ वर्क किया, पुल करने में आपका वर्क कहाँ गया? सर स्प्रिंग में स्टोर हो गया, राइट। पहले के ज़माने में एक आता था ना HMT घड़ी जिसमें चाबी देना पड़ता था, शायद आप लोग उस जमाने के नहीं हैं, स्मार्ट घड़ी के ज़माने के हैं, बट पहले एक आता था कि 24 आवर में 10 बजे उसको चाबी दिया जाता था, वो ऐसे घुमाया जाता था, उसके अंदर स्प्रिंग रहता, टाइट करते थे, एक बार पूरा 24 आवर करने के बाद उसका स्प्रिंग का एनर्जी जो स्टोर रहता था उसी से वो क्या करता, रोटेट करते रहता था। तो एक्चुअल में स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में काइनेटिक एनर्जी और ब्लॉक का और स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी दोनों का सम हो जाता था, बट जब यहाँ पे मॉलिक्यूल के पास पोटेंशियल एनर्जी रहेगा ही नहीं आइडियल गैस में, तो टोटल इंटरनल एनर्जी ओनली इक्वल टू व्हाट? काइनेटिक एनर्जी। ये मार्केबल पॉइंट रहेगा जो कि आगे मैं डेरिवेशन में लूँगा, ठीक है, अभी कुछ लिखना नहीं, सिर्फ सुन लेना है। तो इसका मतलब है कि इसमें सबसे मार्केबल जो पॉइंट है वो 3 पॉइंट है। पहला पॉइंट तो यह है कि गैस के मॉलिक्यूल का वॉल्यूम कंटेनर के वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में इग्नोर कर देंगे, जो जो बोल रहा हूँ उस पर स्टार लगाते रहिएगा, कहीं पर यह पॉइंट है, ठीक है। दूसरा मार्केबल पॉइंट है कि जो कोलिजन है वो इलास्टिक कोलिजन है। और थर्ड मार्केबल पॉइंट जो आगे लिखवा दूंगा कि या उसमें होगा देर इज नो अट्रैक्शन एंड रिपल्सन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, ये भी कहीं पे होगा। इन केस ऑफ इन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज देर इज नो अट्रैक्शन एंड रिपल्सन बिटवीन द मॉलिक्यूल, जहां भी रहेगा उसको मार्क कर लीजिएगा। यहां तक समझ में आ गया? तो आइडियल गैस में क्या होगा? अट्रैक्शन और रिपल्सन नहीं होगा, और मॉलिक्यूल्स या कंटेनर के सरफेस के साथ मॉलिक्यूल का कैसा कोलिजन रहेगा? इलास्टिक कोलिजन, करेक्ट है। यहां तक अब यहां पे देखें स्टूडेंट, देखिए जैसे एज ए फिजिक्स टीचर होने के नाते एवरेज वेलोसिटी कुछ और होता है, बट फिर भी केमिस्ट्री में एवरेज स्पीड को ही एवरेज वेलोसिटी बोला जाता है, ठीक है। तो मान लेते हैं स्टूडेंट कि ऐसे मानिए कि 11th क्लास में सपोज कीजिए कि 90 स्टूडेंट हैं, करेक्ट, और कोई मुझसे पूछेगा कि पूरे क्लास का एवरेज मार्क्स क्या है, एवरेज परफॉर्मेंस, एवरेज मार्क्स, तो मैं क्या करूँगा? जैसे होता है ना कट ऑफ क्रिएट बनाया जाता है, तो कट ऑफ कैसे, कुछ ना कुछ तो लॉजिक रहा होगा, राइट। तो एक्चुअल में एवरेज मार्क्स के लिए मैं क्या करूँगा, सारे स्टूडेंट का इंडिपेंडेंट मार्क्स को जोड़ूंगा, इनका 60 आया, इनका 40 आया, इनका 50 आया, इनका 80 आया, तो सारे मार्क्स को जोड़ेंगे और डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, जो वैल्यू आएगा वो क्या कहलाएगा? एवरेज मार्क्स ऑफ द क्लास, करेक्ट है। वैसे ही किसी कंटेनर में सो मेनी पार्टिकल्स है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स n है, इसका डायग्राम को बनाना है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और इट इज नॉट कंपल्सरी ऑल मॉलिक्यूल्स मूविंग विथ सेम स्पीड, इट इज नॉट कंपल्सरी ऑल मॉलिक्यूल्स मूविंग विथ सेम स्पीड। हो सकता है कि मॉलिक्यूल्स वन या पार्टिकल वन मूविंग विथ स्पीड v1, पार्टिकल टू मूविंग विथ स्पीड v2, पार्टिकल थ्री मूविंग विथ स्पीड v3,
एंड पार्टिकल एंड मूविंग द स्पीड वी एन। तो इस केस में अगर मुझे इससे कोई एवरेज स्पीड पूछेगा तो किसी पार्टिकल फर्स्ट पार्टिकल का स्पीड को बताएंगे या इसका एवरेज लेंगे। मैं आपसे सैंपल का पूछ रहा हूं ना किसी पार्टिकुलर मॉलिक्यूल्स का, राइट। तो क्या करना चाहिए एवरेज स्पीड के लिए, स्पीड। तो एवरेज स्पीड के लिए हम लोग क्या करेंगे, इफ ऑल मॉलिक्यूल्स फर्स्ट एजम्पशन में इफ ऑल मॉलिक्यूल्स मूविंग विद, जनरली ऐसा ही होता है ऐसा सर, जनरली ऐसा क्यों होता है, जनरली ऐसा इस वजह से होता है कि मान लेते हैं कंटेनर को आप यहाँ पे गर्म कर रहे हैं, हाँ या ना। तो कंटेनर को यहाँ पे गर्म कर रहे हैं तो इसके आसपास के मॉलिक्यूल का स्पीड ज़्यादा रहेगा, इधर का स्पीड मॉलिक्यूल का स्पीड क्या रहेगा। ऐसा भी तो हो सकता है, इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि इधर बिल्कुल होमोजेनस सिचुएशन हो। दैट्स वाई इस सैम्पल में जनरलाइज स्टेटमेंट के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी सपोज दैट ऑल मॉलिक्यूल्स मूविंग विथ ए डिफरेंट स्पीड, लिख लीजिए। फर्स्ट वी सपोज दैट All molecules moving with different speed. Then what is the average speed of the sample? जैसे ऐसे पूछा जाएगा average speed of the gas. तो गैस का मतलब सैंपल, एक मॉलिक्यूल या पूरा सैंपल का बात कर रहे हैं। तो पूरे सैंपल का बात करेंगे एवरेज स्पीड के लिए, इसको ऐसे भी लिखा रहेगा या कहीं कहीं पे ऐसे भी लिखा रहेगा। तो एवरेज स्पीड के लिए क्या करना चाहिए सर, V1 प्लस V2 अब प्लस V3 सोन VN और डिवाइड बाय व्हाट, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, दिस इज कॉल्ड व्हाट, एवरेज स्पीड, करेक्ट। पहला सिचुएशन तो है। अच्छा, सेकेंड सिचुएशन ऐसा भी तो हो सकता है कि 50 मार्क्स लाने वाले 5 स्टूडेंट हो, ध्यान सुनिएगा, 50 मार्क्स लाने वाले कितना स्टूडेंट, 5, करेक्ट। 60 लाने वाले 10 स्टूडेंट हो, 80 लाने वाले 4 स्टूडेंट हो, इस तरीके से सेम मार्क्स वाले भी स्टूडेंट ग्रुप मिल रहा है, तब एवरेज मार्क्स के लिए क्या करेंगे। तो सर एक काम कीजिए, 50 इंटू 5 कर दीजिए, राइट। 50 लाने वाले 5 है तो क्या करेंगे, 50 इंटू 5। तो यहाँ भी तो ऐसा हो सकता है, चांस की बात है कि ऐसा हो सकता है कि V1 स्पीड से जाने वाला N1 पार्टिकल हो, V2 स्पीड से जाने वाला, V1 स्पीड से N1, V2 स्पीड से N2, V3 स्पीड से N3, इस तरीके से ग्रुप बना हुआ हो। मतलब इस पहला तो है कि मोर एंड मोर जनरलाइज, कि सारे मॉलिक्यूल्स का मैंने अलग अलग मान लिया। सेकेंड सिचुएशन ऐसा हो सकता है शायद कि एक रीजन का स्पीड सेम हो, तो V1 स्पीड का मॉलिक्यूल्स N1 हो, V2 स्पीड का मॉलिक्यूल्स N2 हो, तो उस केस में एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला क्या बन सकता है एक, या तब उस केस में बोलेंगे V1 N1 प्लस V2 N2 और डिवाइड बाय N1 प्लस N2 एंड सो ऑन। तो सबसे पहले बेसिक एवरेज स्पीड का मतलब आपको समझ में आ गया, हाँ या ना। एवरेज स्पीड का मतलब तो आपको समझ में आ गया है, करेक्ट। चलिए स्टूडेंट यहां देखिए, इसको क्या पढ़िएगा, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल टू एन, भाई इसको क्या पढ़े, मीन स्पीड, क्या पढ़े, एवरेज स्पीड, मतलब मीन स्पीड। तो इसको क्या पढ़ेंगे, मैं अभी आरएमएस नहीं जानता हूं, मैं तो इसको ऐसे पढ़ूंगा, मीन स्क्वायर, किसका एवरेज, स्पीड के स्क्वायर का एवरेज, किसका एवरेज, जो सामने दिख रहा है वही तो बोलिएगा,
दिस इज द एवरेज ऑफ व्हाट, स्पीड का स्क्वायर का, राइट। वी वन स्क्वायर प्लस वी टू स्क्वायर प्लस वी थ्री स्क्वायर। अब कभी कभी होता है ना कि जो सब लोग बोलते रहता है वो हम भी बोल रहे हैं, चीज़ों पर रुक नहीं रहे हैं, और रटा हुआ है सब लोग आरएमएस आरएमएस बी आरएमएस बोल रहा है, तो साथ में मैं भी उस फ्लो में चल रहा हूँ। पहले रुके ही नहीं फार्मूला पे, फार्मूला आपके सामने है, वो नाम हम लोग भी दे सकते थे, राइट। तो इसको पढ़ा जाएगा मीन स्क्वायर स्पीड, बोली तो भाई दिस इज द, यहाँ देखिए इसमें आसमान जमीन का डिफरेंस है, दिस इज द स्क्वायर ऑफ व्हाट, एवरेज स्पीड। ए और ए सेम थिंग या डिफरेंट थिंग, डिफरेंट है। ए क्या कहलाएगा, एवरेज स्पीड का स्क्वायर, बट ए क्या कहलाएगा, मीन ऑफ स्क्वायर स्पीड, किसका, स्क्वायर का स्पीड का। जैसे एक टर्म होता है आरएमएस, उसका फुल फॉर्म होता है रूट मीन स्क्वायर, इसका मतलब मीन ऑफ, मीन ऑफ व्हाट, स्क्वायर ऑफ द स्पीड, करेक्ट। और इसको लिखते ऐसे हैं, यहां देखिए स्टूडेंट, करेक्ट, ए नहीं लिख रहे हैं भाई, ये दोनों में डिफरेंस हो जाएगा, हाँ है ना। इसका मतलब होता है कि एवरेज स्पीड का स्क्वायर कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, स्क्वायर का एवरेज ले रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, एवरेज स्पीड का स्क्वायर, ये क्या कर रहे हैं, स्क्वायर का एवरेज ले रहे हैं। इसका मतलब दिस इज द मीन ऑफ व्हाट, स्क्वायर ऑफ द स्पीड, दिस इज द मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ द स्पीड, करेक्ट है ना। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, चलिए यहाँ देखिए स्टूडेंट, इसको क्या पढ़ेंगे, तो सर रूट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द, रूट ऑफ द मीन ऑफ द स्क्वायर ऑफ द स्पीड, करेक्ट। किसका रूट, स्क्वायर ऑफ द स्पीड का मीन का रूट, करेक्ट। इसी को शॉर्ट मतलब इसी पे रूट लगा देना है, इसी पे क्या लगा देना है, इसका मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं वी वन स्क्वायर प्लस वी टू स्क्वायर प्लस वी थ्री स्क्वायर एंड सो ऑन डिवाइडेड बाई एन, हाँ है ना। आईसी को भाई शॉर्टकट में नाम दिया जाता है वी आर एम एस, क्या नाम दिया जाता है वी आर एम एस, करेक्ट। और आर एम एस का फुल फॉर्म रूट मीन, बट किसका मीन, स्क्वायर के स्पीड का स्क्वायर। तो पहले इस टर्मोलॉजी से बाकी हो गए, कोई बहुत बड़ा चीज था या बस बहुत सिंपल सा बात था, बहुत। यहां पे लिए मीन स्पीड, यहां पे क्या लिए मीन स्क्वायर स्पीड, किसका मीन, स्क्वायर के स्पीड का, स्पीड के स्क्वायर का मीन, स्पीड के स्क्वायर का मीन, करेक्ट है ना। यहां तक अगर समझ लिए हैं तो आगे बढ़ूंगा, यहां तक हो गया, तो इसको बॉक्स में लिखिए। इसका मतलब इसी को, इस पूरे को शॉर्टकट में क्या लिखते हैं, वी आर एम एस, करेक्ट है ना। इसका मतलब है यहां देखिए स्टूडेंट, वी आर एम एस इक्वल टू क्या हो गया, तो सर दिस वन, करेक्ट। और अगर दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो वी आर एम एस का स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, तो सर ए रूट हट जाएगा, ए रूट हट जाएगा, हाँ है ना, करेक्ट है। यहां तक आइए, चलिए बहुत बेसिक बेसिक बात से स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है। अब यहां देखेंगे,
अगर सेम गैस रहेगा, मिक्सचर ऑफ गैसेस नहीं, मान लेते हैं ऑक्सीजन गैस है, तो सेम गैस के ईच मॉलिक्यूल्स का मास तो सेम रहेगा, मास डिफरेंट रहेगा या सेम रहेगा? मास सेम रहेगा। अब तब मैं आपसे पूछूंगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑल मॉलिक्यूल्स मूविंग विथ डिफरेंट डिफरेंट स्पीड, V1, V2, V3, V4 एंड सो ऑन, ऑल मॉलिक्यूल्स मूविंग विथ सेम स्पीड या डिफरेंट डिफरेंट स्पीड? देखते नहीं, जनरली ये तो डे टू डे लाइफ का कहानी है भाई। मान लेते हैं आप चावल बना रहे हैं प्रेशर कुकर में, नहीं एक अलग भी तो कंटेनर होता है जिसमें प्रेशर कुकर नहीं लगाया जाता है, ढक्कन नहीं लगाता है, ऐसे ही ओपन कंटेनर में चावल बनते रहता है भात, तो उसको चेक करने के लिए कि वो सही से पका है नहीं पका है, ऊपर से और नीचे से नहीं लेते हैं, बीच से लेते हैं, राइट, और निकाल कर चेक करते हैं। वैसे सपोज कीजिए, इसका मतलब सैंपल चेक करना चाह रहे हैं, करेक्ट। तो मान लेते हैं कि मेरा क्वेश्चन ये रहा कि स्टूडेंट यहाँ पे ऑल मॉलिक्यूल्स मूविंग विथ डिफरेंट डिफरेंट स्पीड, देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन ऑफ द मॉलिक्यूल क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ द गैस, तो भाई आप क्या ये बोल सकते हैं हाफ एम वी वन स्क्वायर? नहीं बोल सकते, आप तो पार्टिकुलर हो गए ना, आप एक खास मॉलिक्यूल के बारे में बता दिए जिसका स्पीड कितना था। क्या ये बोल सकते हैं हाफ एम वी टू स्क्वायर? नहीं बोल सकते हैं। तब क्या लेना चाहिए था सर? बेस्ट ट्रांसलेशनल काइनेटिक, मतलब जो जिसमें स्पीड हो रहा हो, रोटेशनल ही क्या मैं बात कर रहा हूँ, ट्रांसलेशनल, तो ये भी लिखना सही नहीं रहेगा। ये बोलने का मतलब है कि पार्टिकुलर मॉलिक्यूल, सेकंड मॉलिक्यूल जिसका स्पीड भी था उसका आपने बताया, पूरे सैंपल का नहीं बताया। तो पूरे सैंपल का बताने के लिए आपको क्या चाहिए था? मुझे लगता है पूरे सैंपल का बताने के लिए हाफ एम, और आपको ये लेना चाहिए था, हाया ना, ए वैल्यू मीन ऑफ द स्क्वायर, मीन किसका, मीन स्क्वायर स्पीड के स्क्वायर का, करेक्ट। तो ये जब लेंगे तो वन पार्टिकल फर्स्ट का रहेगा, सेकंड का रहेगा, या पूरे सैंपल का स्पीड का स्क्वायर का मीन रहेगा? ये क्या बताएगा, सिर्फ पार्टिकुलर किसी एक पार्टिकल का बताएगा वी स्क्वायर, या पूरे सैंपल को रिप्रेजेंट करेगा? पूरे सैंपल को रिप्रेजेंट करेगा, करेक्ट। तो एक्चुअल में इन रियलिटी ऑल मॉलिक्यूल्स इन जनरल मूविंग विथ डिफरेंट डिफरेंट स्पीड, तो उस टाइम पे पूरे सैंपल में से वन ऑफ द मॉलिक्यूल का काइनेटिक पूछा जाएगा, तो ए और ए लिखना सही नहीं रहेगा। तो उसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं, हाफ एम दिस वन, इसको पढ़ते क्या है, मीन ऑफ द स्क्वायर स्पीड, मीन ऑफ द स्क्वायर स्पीड, करेक्ट। और इसके बदले क्या लिख सकते हैं, इसके बदले वी आर एम एस का स्क्वायर, हाँ या ना, करेक्ट है ना। इसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, यहां देखिए काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, और एक काइनेटिक जो मैं बात कर रहा हूं ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, कौन सा, स्पीड के वजह से, लीनियर स्पीड के वजह से जो काइनेटिक एनर्जी होता है उसको बोलते हैं ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। और कोई चीज रोटेट कर रहा है किसी एक्सिस के अबाउट, रिजिड बॉडी जिसमें एंगुलर स्पीड है, क्या है, तो वो भी स्पीड कहलाता है, उसके वजह से भी काइनेटिक एनर्जी होता है, उसको बोलेंगे आगे चलकर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। क्या बोलेंगे एवरीवन? तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल इक्वल टू हाफ एम वी वन स्क्वायर वी टू का नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, दिस वन लिखेंगे। और इसी को हम लोग क्या ये लिख सकते हैं, हाफ एम वी आर एम एस का स्क्वायर। यहां तक अगर आप समझ गए हैं तो हाँ बोलिए, अदरवाइज फिर से समझाऊंगा। समझ में आ गया एवरीवन? चलिए, ये बहुत बड़ा इक्वेशन है, छोटा इक्वेशन नहीं है, बहुत बड़ा इक्वेशन है। यस, एक्चुअल में दिस इज कॉल्ड एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, दिस इज व्हाट, एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल। बट एग्जाम में एवरेज बोल के नहीं दिया रहेगा, सिर्फ क्या दिया रहेगा, काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, करेक्ट। वेयर एम इज द मास ऑफ वन ऑफ द पर मॉलिक्यूल है, तो एक मॉलिक्यूल का मास रहेगा, लिखिए वेयर एम इज द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, वेयर एम इज द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। क्या बोले,
हाँ उस आएंगे आएंगे आएंगे, वेट कीजिए, आएंगे उस पॉइंट पे। यहाँ तक समझ में आ गया? चलिए स्टूडेंट, मान लेते हैं इसमें टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स n है। टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना है? n। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सैंपल के लिए क्या लिखेंगे? तो सर एक मॉलिक्यूल का काइनेटिक इतना, तो n मॉलिक्यूल कितना, n से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना? तो क्या ये लिख सकते हैं, n इंटू हाफ एम वी आर एम एस का स्क्वायर, करेक्ट है ना? यहां तक आ सकते हैं भाई? ए क्या है? टोटल मास ऑफ द सैंपल क्या है? इसको नाम क्या दे दिया जाए? एम डैश दे दिया जाए। टोटल मास ऑफ द सैंपल, हाफ एम डैश वी आर एम एस स्क्वायर। यहां तक आपको समझ में आ गया है, करेक्ट? यहां देखेंगे, और इसी को हम लोग क्या ए लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल इंटू मोलर मास, नंबर ऑफ मोल इंटू मोलर मास, करेक्ट है ना? ये सब लिखते रहिए, इस फॉर्मेट किसी भी फॉर्मेट का हम लोग यूज कर सकते हैं। एक यहां देखिएगा, एक मिनट, अब ध्यान से कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो एक्चुअल में एक किसका काइनेटिक है? टोटल सैंपल का हो गया। अगर इसको n से डिवाइड कर दिया जाए, ऐसे कर सकते हैं ना, इसको n को यहां ले आएंगे, तब क्या होगा भाई? हाफ एम वी आर एम का स्क्वायर। एक कितना का मास? वन मोल का। इसको पढ़े हैं क्या? काइनेटिक एनर्जी पर मोल, काइनेटिक एनर्जी पर मोल, करेक्ट? और काइनेटिक एनर्जी पर मोल, तो वन मोल का सोच रहे हैं आप, वन मोल के लिए मास कितना रहेगा? मोलर मास। तो क्या हो गया? मोलर काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सैंपल, बोली तो मोलर काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सैंपल। तो एक्चुअली इसमें मैं किसी भी फॉर्मेट को आगे में यूज कर सकता हूं, ठीक है ना? तो यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग ये था कि आप इस बात को एक्सेप्ट कर पाए कि काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल के लिए आपने क्या यूज किया, हाफ एम वी वन स्क्वायर यूज किया या हाफ एम वी बीस वन यूज किया? ये यूज किया। आए था क्या? आर एम एस, ठीक है? यहाँ तक लिख लिया तो अब मैं आगे बढ़ूंगा, करेक्ट है ना? अब यहां देखिए, चलिए किसी पार्टिकुलर वन ऑफ द मॉलिक्यूल का मैं बात कर रहा हूं, वन ऑफ द मॉलिक्यूल का, करेक्ट? लाइक वी वन का ही बात कर रहे हैं, ठीक है?
तो कार्टेशियन सिस्टम में भाई वी वन के लिए क्या लिखेंगे? तो सर कार्टेशियन सिस्टम में तो ये सिखाया गया है वी वन एक्स आई वी वन वाई, क्योंकि हाँ मॉलिक्यूल का मोशन वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल या थ्री डायमेंशनल रहेगा, किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है, राइट? तो वी वन इक्वल टू लिख सकते हैं वी वन एक्स आई प्लस वी वन वाई जे प्लस वी वन जेड के। ये किसी भी कॉम्प्लिकेटेड थ्योरी को कॉम्प्लिकेट कर नहीं पढ़ना है, बातों को समझ के एकदम उसको आसान बना के तोड़ तोड़ कर पढ़ना है, क्योंकि ऑलरेडी वो कॉन्सेप्ट है, प्रॉब्लम है, तो उसको जिसे कुछ स्टूडेंट क्या कहते हैं आसान क्वेश्चन को भी कभी कभी तो क्या हाँ टफ क्वेश्चन को उसी मेथड से सॉल्व करना होता है, मजबूरी होता है, बट मैक्सिमम ट्राई करना चाहिए कि टफ क्वेश्चन को बहुत ईजिएस्ट वे में सॉल्व कर दें, तब काबिले तारीफ है। नहीं कि प्रॉब्लम है उसको और प्रॉब्लम बनाए जा रहे हैं, तो आपका हैबिट में रहेगा तो एग्जाम हॉल में बहुत पजल हो जाएगा, क्योंकि एग्जाम हॉल में बहुत स्मार्टली आप, लेकिन वो स्मार्ट सोल्यूशन या ईजी जो सोल्यूशन रहेगा आपको बार बार प्रैक्टिस या चीज़ों को तोड़कर बहुत क्लियर कट कॉन्सेप्ट से आएगा, लेंदी से नहीं कि एकदम जैसा बुक में है वैसा ही थ्योरी लेके चल रहे हैं, तो बहुत आपके लिए आगे चल के कॉम्प्लिकेशन। इसलिए मेरा जो पढ़ाने का तरीका रहता है मैं बहुत जीरो लेवल से, बेसिक लेवल से स्टार्ट करना चाहता हूँ, ताकि बच्चों को पूरा दुनिया दिख जाए कि हाँ ऐसे से हो रहा है, इंटरेस्ट कम से कम आ जाए, ठीक है? तो वी वन इक्वल क्या रहेगा? वी वन एक्स आई प्लस वी वन वाई जे प्लस वी वन जेड के। बट किसी एक पार्टिकुलर मॉलिक्यूल के लिए ये सपोज किया गया है कि उसका ऑल डायरेक्शन में स्पीड सेम रहता है, ये अजम्पशन है। ऐसा हो भी सकता था और नहीं भी हो सकता था, क्योंकि सपोज कीजिए कि मॉलिक्यूल मेरा इस डायरेक्शन में जा रहा है तो सिर्फ क्या रहेगा एक्स कंपोनेंट, वाई एक्सिस के लॉन्ग रहेगा तो क्या रहेगा वाई कंपोनेंट, और जेड एक्सिस के लॉन्ग जाएगा तो, और अगर स्पेस में जाएगा तो उसका पास तीनों रहेगा। तो यहाँ पे एक और अजम्पशन लिया गया है कि एनी मॉलिक्यूल, एनी पार्टिकुलर मॉलिक्यूल मूविंग विथ सेम स्पीड इन ऑल डायरेक्शन, मतलब अलोंग एक्स एक्सिस उसका स्पीड सेम रहेगा, अलोंग वाई एक्सिस भी उसका स्पीड सेम रहेगा, अलोंग जेड एक्सिस भी उसका स्पीड। यहां तक समझ पाए? चलिए एक बार नीचे लिखे तो, इन दिस थ्योरी वी सपोज दैट, इन दिस थ्योरी वी सपोज दैट एनी मॉलिक्यूल मूविंग विथ सेम स्पीड इन ऑल डायरेक्शन, एनी मॉलिक्यूल मूविंग विथ सेम स्पीड, ऑल मॉलिक्यूल नहीं बोल रहा हूं, एनी पार्टिकुलर मॉलिक्यूल मूविंग विथ सेम स्पीड इन ऑल डायरेक्शन, इसका मतलब आप समझे? मैं वी वन एक्स इक्वल टू वी वन वाई बोल रहा हूं या वी वन एक्स का मॉडुलस स्पीड बोले हैं, तो वी वन एक्स का मॉडुलस इक्वल टू व्हाट? वी वन वाई का मॉडुलस इक्वल टू वी वन जेड का मॉडुलस। यहां तक समझ में आ गया? और इसी को स्टूडेंट क्या ऐसे लिख सकते हैं, ऑनलाइन के बच्चे भी हाँ ना बोल सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। इस एजम्पशन के बाद ए लिखेंगे, इसके बाद क्या लिख सकते हैं? स्क्वायर कर सकते हैं, करेक्ट है ना? चलिए भाई यहां देखिए, किसी भी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालने, मैग्नीट्यूड का मतलब स्पीड, किसी भी वेलोसिटी पार्टिकल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड का मतलब क्या? उसका स्पीड। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला पढ़े हैं वेक्टर में? तो सर यही तो पढ़े थे, वी वन एक्स स्क्वायर प्लस वी वन वाई स्क्वायर प्लस वी वन जेड स्क्वायर। यहाँ तो कोई तकलीफ? तो इसी को अब यहाँ पे, अब मैं एरो नहीं दे रहा हूँ, स्पीड ले रहा हूँ, क्या इसको स्क्वायर कर सकते हैं? तो स्क्वायर करेंगे तो क्या लिखेंगे? वी वन एक्स स्क्वायर प्लस वी वन बाई स्क्वायर, आप लोग भी टाइम निकाल के बोल सकते हैं, वी वन जेड स्क्वायर। यहाँ तक सही है? और अकॉर्डिंग टू दिस अजम्पशन, देखिए ना कुछ बच्चे टेस्ट के नाम पे क्लास नहीं आए, एक तो कोरोना तो वजह है ही, बट एक टेस्ट भी वजह लगता है बन गया है, बट एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, अपने क्लास को टेस्ट वगैरह से इंडिपेंडेंट रखिए, ठीक है? नहीं तो जैसे होता ना कि सर इतना थक जाएंगे फिर एग्ज़ाम कैसे देंगे, दिमाग में चलता होगा, क्या कीजिएगा? आपका ड्रीम है हिमालय के जैसा IIT एडवांस में जाने का, उसमें एक ही दिन दो पेपर होगा 6 आवर का, राइट? अब बीच में गैप रहेगा 1.5 आवर का, तो उतना तो अंदर से कैलिबर डेवलप करना पड़ेगा ना। सुबह शाम तक मुझे 8 आवर क्लास लेना पड़ता है, अब मैं एक ही क्लास लेने के बाद अब दिमाग काम नहीं कर रहा है,
मेरा तो और भी फेज चेंज होता है फिजिक्स केमिस्ट्री एट ए टाइम वीक में देखिएगा तो मेरा एट ए टाइम वीक में कम से कम 12 से 12 टू 15 टॉपिक चलते रहता है डिफरेंट डिफरेंट बैच में डिफरेंट डिफरेंट चीज़। फिजिक्स में भी 4-5 चलते रहता है। अब उसमें सबके साथ मुझे टच में रहना है इसलिए कभी कभी न्यू टॉपिक पढ़ाने से पहले मैं 10 मिनट का टाइम लेता हूँ, ज़्यादा नहीं 10 मिनट, कि हाँ बोलना क्या है, कैसे चीज़ों को लेकर चलना है पहला क्लास में, राइट। आज मैं काइनेटिक थ्योरी वगैरह से पढ़ाना था, जनरली जो टॉपिक एक बार एक क्लास फर्स्ट क्लास हो जाता है तो सेकंड क्लास से प्रॉब्लम नहीं होता है। आज मैं 7 बजे उठ गया, 7:30 में यहाँ आ गया, पहले अपने आप को रेडी किया मुझे कैसे चीज़ों को लेकर चलना है आसान बनाकर, क्योंकि मैं अगर सही से तैयार होकर नहीं आऊँगा तो यहाँ पर सही से डिलीवरी नहीं होगा, राइट। चलिए अब यहाँ पे V1² = अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है ये लिख सकते हैं इस एजम्पशन के साथ, इसका मतलब है सर V1X² = V1Y² = V1Z² = 1/3 V1² लिख सकते हैं, हाँ या ना। चलिए ये 3 किसके बदले आया है वो देख लीजिएगा भाई, ये 3 किसके बदले आया है V1X² के बदले या V1Y² के बदले या V1Z² के बदले, करेक्ट है ना। यहाँ तक आइए, यहाँ हाँ बिल्कुल समझाएंगे, ध्यान से देखिएगा V1X² यहाँ तक समझ में आ गया आपको, और एजम्पशन क्या लिया हुआ है, एजम्पशन था तो क्या इसको भी V1X² मान लिया जाए, इसको भी V1X² मान लिया जाए तो क्या हो जाएगा, अब बोलते ही नहीं है इसको भी V1Y मान लें इसको, तो ये लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं इसका तो V1X² = V1Y² = V1Z² = 1/3 V1² लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। चलिए यहाँ तक आइए, चलिए स्टूडेंट यहाँ देखिए, अब ध्यान सुनिएगा बहुत इंटरेस्टिंग है। अब मान लेते हैं कि यहाँ पे बहुत सारा मॉलिक्यूल है, हाँ या ना। अब इस मॉलिक्यूल में मैंने आपसे पूछा मुझे इस सैंपल का V1X² चाहिए, बोले क्या चाहिए V1X², तो पार्टिकल 1 का बताइएगा, पार्टिकल 2 बताइएगा या सबका एवरेज बताइएगा, सर सबका एवरेज बताना पड़ेगा, इज इट राइट। इसका मतलब है कि ये अगर पूछेंगे मतलब आपको ये बोलना पड़ेगा, हाँ या ना, बोलना पड़ेगा, तब लिखिएगा क्या सर, फिर सबका लेना पड़ेगा, पार्टिकल 1 का V1X रहेगा, पार्टिकल 2 का और पार्टिकल 3 का एंड सो ऑन और डिवाइड बाय दिस वन, हाँ या ना। और भाई इसके बदले क्या ये लिख सकते हैं, और इसके बदले ये लिख सकते हैं, बोलते ही नहीं, हाँ या ना, नहीं लिखे, और डिवाइड बाई एन, करेक्ट। क्या 1/3 को कॉमन ले लिया जाए, तो 1/3 को कॉमन लेंगे, सर ये तो बहुत बढ़िया हो गया, मैं खुद से ही बोल रहा हूँ, और डिवाइड बाई एन, भाई क्या बढ़िया हुआ सर, ये था VRMS का स्क्वायर, ये क्या था VRMS का स्क्वायर, मतलब जहाँ भी आपको इसका रिक्वायरमेंट होगा हम लोग हेल्प कर देंगे, और क्या लिख देंगे 1/3 VRMS का स्क्वायर, यहाँ तक आइए, ऐसे डायरेक्टली लिखते हैं ना तो आप लोगों से बिल्कुल ऊपर पर निकल जाता, कहाँ से सर 3 आ गया, अभी कितना आसानी से सब लोग इसको एक्सेप्ट कर लिए, राइट।
यहाँ तक हो गया ना। चलिए अब यहाँ देखिए स्टूडेंट, सही से देखिएगा। अब इस थ्योरी को यहाँ पर रखने देते हैं, ये जो मैं लिख रहा हूँ उसको बाद में लिखिएगा। पर सबसे पर इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मान लेते हैं किसी पार्टिकल का ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पूछते हैं, कौन सा ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी अगर पूछा जाएगा, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब उसका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हाफ एम वी स्क्वायर हाफ एम वी, क्या है वी इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। और इसके बदले ए भी तो लिख सकते हैं वी एक्स स्क्वायर वी वाई स्क्वायर और वी जेड स्क्वायर, और इसके बदले हाफ एम क्या थ्री वी एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना। इसका मतलब थ्री करेक्ट है ना। यहाँ देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं एनीवन एवरीवन, भाई ये क्या है ट्रांसलेट काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू एक्स मोशन, काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू एक्स मोशन। यहाँ इसके बदले आप ऐसे भी तो लिख सकते थे काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू बाई मोशन, और इसको ऐसे भी तो लिख सकते थे काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू जेड मोशन। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में एक्स मोशन बाई मोशन और जेड मोशन का स्पीड डिफरेंट माना गया है, सेम माना गया है। तो काइनेटिक एनर्जी जो टोटल काइनेटिक रहता है, और सिर्फ अगर मोशन के नाम पे ट्रांसलेशनल मोशन ही हो रहा है, रोटेशन अगर नहीं हो रहा फॉर ए मोमेंट, इसका मतलब डिफरेंट डिफरेंट कार्टेशियन सिस्टम एक्स वाई जेड मोशन के लिए मैं बात कर रहा हूँ, तो डिफरेंट डिफरेंट मोशन के लिए डिफरेंट डिफरेंट काइनेटिक रहेगा या सेम काइनेटिक इक्वली डिवाइडेड रहेगा। एक्स मोशन के लिए जितना होगा उतना ही बाई मोशन की वजह से काइनेटिक होगा और उतना ही जेड मोशन। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी पर डिग्री ऑफ फ्रीडम, काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू एक्स मोशन। तो क्या करते हैं, ये था टोटल, क्या था टोटल, उसमें इसमें एक्स मोशन भी है बाई मोशन भी, और बट पर एक्सिस मतलब अलोंग एक्स एक्सिस काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू एक्स मोशन। तब क्या करते यहां पे इसको डिवाइड करते तीन से, है ना, इसको थ्री से डिवाइड कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, बचेगा हाफ एम वी एक्स स्क्वायर। इसका मतलब है कि हाफ एम वी एक्स स्क्वायर को क्या बोलेंगे, काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू एक्स मोशन। हाफ एम वी वाई स्क्वायर को क्या बोलिएगा, और हाफ एम वी जेड स्क्वायर को क्या बोलिएगा, काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू जेड मोशन। और इस पूरे को क्या बोलिएगा, टोटल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, करेक्ट है ना। मतलब इस बात को समझ गए, ऐसा कहीं पर, लेकिन यहाँ पर जो अभी लिखा गया है वो क्या है, टोटल काइनेटिक एनर्जी, क्या लिखा गया है, सॉरी सॉरी, यहाँ देखिए यहाँ जो अभी यहाँ पे टोटल काइनेटिक अभी नहीं लिया हूँ, यहाँ पे सिर्फ क्या लिए हैं, मीन ऑफ एक्स कंपोनेंट, मीन ऑफ एक्स कंपोनेंट। अब इसमें हाफ एम से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक मिनट, अगर हाफ एम से मल्टीप्लाई करेंगे तब क्या हो जाएगा, तब यहाँ पे हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू एक्स मोशन, काइनेटिक ड्यू टू एक्स मोशन। तो अभी आप बस इतना ही समझिए, बाद में हम लोग इसको लेंगे, ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। चलिए इस, हाँ बोलिए, केटी जी में क्या जीरो होता है, ओके, हाँ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में दो मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन रिपल्सन को जीरो माना गया है, तो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई फोर्स ऑपरेट होगा, और जब फोर्स अगर नहीं रहेगा, अगर फोर्स रहेगा तब तो भाई वर्क डन चाहे पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट आ जाएगा, तो अगर फोर्स नहीं रहेगा और अगर दो मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स नहीं रहा नहीं है, हाँ उसका सरफेस के साथ तो फोर्स लगेगा भाई, बट मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑपरेट नहीं होगा, क्योंकि मॉलिक्यूल के बीच में कोई अट्रैक्शन ही नहीं है, कोई इंट्रैक्शन ही नहीं है, ना ही अट्रैक्शन का ना ही रिपल्सन का, बट कोलिजन होगा, तो कोलिजन के टाइम पे जो एक इम्पैक्ट का फोर्स लगेगा, बट ऐसे जब तक कोलिजन नहीं हो रहा है, फ्री मूवमेंट हो रहा है, तब तो उस टाइम पे कोई इस पर फोर्स ऑपरेट
नहीं होगा, करेक्ट। समझ गए, बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इसको लिख रट जाइएगा जिसको बॉक्स बना रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि एग्जाम हॉल में थोड़े आपके पास इतना टाइम रहेगा कि डिराइव करते रहिएगा इतना आराम से, एग्जाम हॉल तो में वही रहेगा ना, जो एक बार समझ गए फिर शॉर्ट नोट्स में लिख लेंगे, करेक्ट। बट समझने डिरिवेशन के बाद ही लिखिएगा तो शॉर्ट नोट्स में कॉन्फिडेंस का लिखिएगा कि हाँ ऐसा ही होता है, डायरेक्ट लिखवाते तो क्या ये कहाँ से आया। तो आप 11th क्लास में अभी आपके पास टाइम है तो इसको समझते हुए लिखिए, ठीक है। अब लिखिए एक्सप्रेशन फॉर द प्रेशर, एक्सप्रेशन ऑफ प्रेशर, हाँ यस। ए यहाँ देखिए काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक अगर एक मॉलिक्यूल का भी ले सकते हैं, सैंपल का भी ले सकते हैं, वन ऑफ द मॉलिक्यूल का लेंगे वन, तो अगर उसका पूरे सैंपल का वन ऑफ द मॉलिक्यूल का, पूरे सैंपल के वन ऑफ द मॉलिक्यूल का है, वो पार्टिकुलर मॉलिक्यूल का नहीं है, पूरे सैंपल का वन ऑफ द मॉलिक्यूल का था, ठीक है। यहाँ देखिए मान लेते हैं कि कोई मॉलिक्यूल 5 मीटर पर सेकंड जा रहा है, कोई मॉलिक्यूल 10 मीटर पर सेकंड जा रहा है, कोई 20 मीटर पर सेकंड जा रहा है, करेक्ट। अतब इस यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट स्पीड्स है, अतब किस सबका मास सेम है, अतब काइनेटिक पर मॉलिक्यूल पूछेंगे तो आप ए लिखिएगा, ए लीजिएगा या हाफ एम वी स्क्वायर का मिल लीजिएगा, पूरे सैंपल का पूछ रहे हैं। आपको क्वेश्चन पूछा गया कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ दिस सैंपल, वन ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ दिस सैंपल, तो वन मॉलिक्यूल का मतलब मास वन मॉलिक्यूल का, बट वी स्क्वायर किसका, वी वन का स्क्वायर प्लस या वी टू का स्क्वायर या वी का स्क्वायर का मीन, वी के स्क्वायर का मीन, समझे। क्योंकि वी का स्क्वायर का जो मीन रहेगा ये पूरे का वी स्क्वायर को रिप्रेजेंट करेगा इस मॉलिक्यूल का। हाँ बोलिए स्टूडेंट, हाँ रिप्लेस कर सकते हैं, उसी के लिए मैं इसको रेडी करके रखा हूँ, जहाँ पे मुझे इसका रिक्वायरमेंट रहेगा ना। आप प्लस थोड़ा सा वेट फॉर राइट टाइम, जस्ट अभी आप इतना तक समझिए, इसको जहाँ पे रिक्वायरमेंट रहेगा मैं रिप्लेस करूँगा, ठीक है। हाफ एम दिस वन, हाँ वो मैं किसी एक के लिए बात कर रहा था, अभी थोड़ा सा वेट कर लीजिए। जैसे यहाँ पे जो लिखा था ना वी इक्वल टू वी एक्स वी वन ऐसे मान लीजिए, ठीक है, किसी एक मॉलिक्यूल का पहले जिक्र कर रहा था और किसी एक मॉलिक्यूल का भी, सॉरी किसी एक मॉलिक्यूल के लिए भी तो मैंने माना है कि वी वन एक्स का वैल्यू मैग्नीट्यूड वी वन वाई का मैग्नीट्यूड और वी वन जेड का मैग्नीट्यूड डिफरेंट है या सेम है, सेम है, तो क्या इसके बदले भी ऐसा लिख सकते हैं, एक ही मॉलिक्यूल के लिए पहले सोचिए, इतना लिख सकते हैं। ओ मैं बात कर रहा था, तो अभी थोड़ा सा वेट कर लीजिए, यहां तक समझ में आ गया। देखिए कोई टॉपिक पढ़ाते रहेंगे तो अचानक टॉपिक शुरू होते ही सारा क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलेगा, लेट मी फिनिश, इट इज जस्ट लाइक यहां टाइप ऑफ कार्बन पढ़ाया था, सर टाइप ऑफ कार्बन कहां कहां पे आएगा, आपको राइट टाइम का वेट करना पड़ेगा। यहां जहां पे जैसे जैसे थ्योरी को सीक्वेंस लेके जा रहे हैं यहां तक जो मैंने पढ़ाया वो समझ में आया या नहीं आया आपको, सबको आ गया है एवरीवन। चलिए अब यहां देखिए
ध्यान से देखिएगा, ए मेरा कोई क्यूबिकल कंटेनर है, करेक्ट, बाद में लिखिएगा मैं जब बोलूंगा तो। तो बोलिए व्हाट द मीनिंग ऑफ प्रेशर ऑफ द गैस, प्रेशर ऑफ द गैस, यहां पे इसे ऑब्जेक्टिव आएगा, क्वेश्चन बैंक में मिलेगा, यहां से समझ लीजिएगा, प्रेशर ऑफ द गैस, तो प्रेशर कहां पे फील होता है, दीवार पे, सरफेस ऑफ द कंटेनर, करेक्ट, और सरफेस ऑफ द कंटेनर पे जो प्रेशर क्रिएट होता है वो किस वजह से होता है, तो सर एक मिनट, यस, इसका मतलब है कि सर मॉलिक्यूल जो सरफेस पे आकर कोलाइड करेगा और उस कोलिजन के वजह से ये मॉलिक्यूल्स यहाँ पे जो फोर्स लगाएगा, क्या लगाएगा, जो फोर्स लगाएगा, और उस फोर्स तक क्या ऑल ईच मॉलिक्यूल सेम फोर्स लगाएगा या डिफरेंट फोर्स लगाएगा, सर सबका कोलाइड करने का स्पीड डिफरेंट डिफरेंट रहेगा, क्या रहेगा, मॉलिक्यूल वन वी वन स्पीड से कोलाइड करेगा, मान लीजिए मॉलिक्यूल टू वी टू स्पीड से कोलाइड करेगा, या मॉलिक ऐसे बोलिए कि अगर इसको एक डायरेक्शन मान लेते हैं, दिस इज अलोंग एक्स एक्सिस, दिस इज व्हाट, अलोंग एक्स एक्सिस, और ए मेरा प्लेन है, सपोज कीजिए दिस इज माय बाइजेट प्लेन, कौन सा प्लेन, एक्स एक्सिस पे कौन सा प्लेन परपेंडिकुलर रहेगा, वाइजेड प्लेन परपेंडिकुलर रहेगा, तो मान लेते हैं कि इस वाइजेड प्लेन पे, हाँ बोलिए, जब मैं बोलते रहूँ तो बीच में मत इंटरप्ट कीजिएगा, बोलिए क्या बोलना चाहते हैं, तो इस वाइजेड प्लेन पे जो प्रेशर क्रिएट होगा वो किस किसके वजह से होगा, तो सर एक्स मोशन के वजह से होगा, है या ना, किसके वजह से होगा, ऑल मोशन या एक्स मोशन, एक्स मोशन, बट सारे मॉलिक्यूल का भी एक्स सेम है या अलग अलग है, अलग अलग है, पार्टिकल वन भी वन एक्स से कोलाइड करेगा, पार्टिकल टू भी टू एक्स से कोलाइड करेगा, पार्टिकल थ्री भी थ्री एक्स से कोलाइड करेगा, तो सारे मॉलिक्यूल के वजह से जो यहाँ पे प्रेशर क्रिएट होगा न्यूटन सेकेंड लॉ से और न्यूटन थर्ड लॉ दोनों का यूज करेंगे, न्यूटन सेकेंड लॉ क्या है, चेंज ऑफ मोमेंटम विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, चेंज ऑफ मोमेंटम विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, करेक्ट, और न्यूटन थर्ड लॉ क्या है, एक बॉडी दूसरे बॉडी पे जितना बड़ा फोर्स लगाता है दूसरे बॉडी भी पहले बॉडी पे उतना ही बड़ा फोर्स लगाता है, मैग्नीट्यूड बाई बट डायरेक्शन में जस्ट अपोजिट, तो ये दोनों लॉ का यहाँ पर यूज करेंगे, तो एक्चुअल में ए मॉलिक्यूल कोई भी मॉलिक्यूल यहाँ पर आकर कोलाइड करेगा तो मॉलिक्यूल यहाँ पर सरफेस पर फोर्स क्रिएट करेगा, और डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल डिफरेंट डिफरेंट फोर्स लगाएगा, सेम फोर्स लगाएगा या डिफरेंट डिफरेंट फोर्स लगाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, सारे फोर्स का एवरेज लेंगे, सारे हम लोग सारे फोर्स का एवरेज नहीं, सारे फोर्स को जोड़ेंगे, करेक्ट, एवरेज नहीं, सारे फोर्स को क्या करेंगे, सम करेंगे, और टोटल फोर्स यहां से इस पूरे एरिया पे टोटल फोर्स जितना आएगा उस टोटल फोर्स के मैग्नीट्यूड को इसके एरिया से डिवाइड कर देंगे, हाँ या ना, और जब एरिया से डिवाइड करेंगे तो प्रेशर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, बट वो फोर्स क्या लगना चाहिए, सरफेस पे परपेंडिकुलर एंड टुवर्ड्स, सरफेस पे परपेंडिकुलर एंड टुवर्ड्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कि किसी कंटेनर का, किसी भी कंटेनर पे, तो प्रेशर का तो फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया ना, बोलिए क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, करेक्ट, तो मान लेते हैं कि इसका एरिया 10 मीटर स्क्वायर है और 10 मीटर स्क्वायर पे आपने टोटल फोर्स निकाला, करेक्ट, और फिर 10 मीटर स्क्वायर से डिवाइड किया तो आपको फोर्स क्या मिला, फोर्स पर मीटर स्क्वायर मिला, तो इसका मतलब यूनिट एरिया पर जितना बड़ा फोर्स दैट इज कॉल्ड प्रेशर, करेक्ट, तो दिमाग में भी तो आएगा कि सर इट इज कंपल्सरी कि इसका एरिया और इसका एरिया सेम रहेगा, इट इज नॉट कंपल्सरी, ऐसा हो भी सकता है ऐसा नहीं भी हो सकता है, हो सकता है कि अरे क्यूबिकल कंटेनर हो तब तो एरिया सेम रहेगा, बट अगर क्यूबॉइड हो तो, लेकिन उससे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों, इसका एरिया 20 मीटर स्क्वायर है तो इस पर फोर्स भी तो ज़्यादा हो जाएगा, सरफेस का एरिया ज़्यादा
तो इसमें मॉलिक्यूल ज़्यादा आके कोलाइड करेगा, राइट। तो इसमें फोर्स अगर ज़्यादा रहेगा और फिर इसके एरिया से डिवाइड करेंगे, लास्ट में आपको मिला क्या? फोर्स पर यूनिट एरिया। इस पर क्या मिला? फोर्स पर यूनिट एरिया। इस पर क्या मिला? फोर्स पर यूनिट एरिया। इसका मतलब है कि इस सरफेस पे जितना प्रेशर क्रिएट होगा, और इस सरफेस पे जितना प्रेशर क्रिएट होगा, डिफरेंट प्रेशर रहेगा या सेम प्रेशर? सेम प्रेशर। क्यों? क्योंकि सर अल्टीमेटली तो मुझे फोर्स पर यूनिट एरिया निकालना है, इसका भी यूनिट एरिया पे और इसका भी यूनिट एरिया पे। तो यहाँ का आप क्या ले रहे हैं प्रेशर के लिए? यूनिट एरिया। और यहाँ पे भी लास्ट में क्या रहा है? यूनिट एरिया। बिकॉज प्रेशर का लिए क्या रहेगा? टोटल फोर्स बाई टोटल एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया, करेक्ट है ना। इसका मतलब यहाँ का एरिया सेम हो, ये इन दोनों का एरिया सेम हो या डिफरेंट हो, यहाँ पे जो लास्टली निकालेंगे प्रेशर वो रहेगा फोर्स पर यूनिट एरिया, यहाँ भी क्या रहेगा? फोर्स पर यूनिट एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर जितना बड़ा फोर्स है, जितना प्रेशर यहाँ पर रहेगा, उतना ही प्रेशर यहाँ पर क्यों रहेगा? दिमाग में आ सकता है ये बात, करेक्ट। तो उसका आंसर ये है कि यहाँ पर अगर पार्टिकल वन वी वन एक्स से कोलाइड करेगा, किससे? और अगर ये मेरा बाई एक्सिस है, ये मेरा क्या है, इस तरफ ऊपर की तरफ अगर मेरा बाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो इधर कोलाइड करेगा वी वन वाई से। बट वी वन एक्स और वी वन वाई का मैग्नीट्यूड डिफरेंट है या सेम है? मेरे जंक्शन में सेम है ना। इसका मतलब यहाँ जब कोलाइड करेगा तो वी वन वाई, तो सारे में वी टू वाई, वी थ्री वाई, बट वी वन वाई और वी वन एक्स का मैग्नीट्यूड और वी वन वाई का मैग्नीट्यूड सेम है। दैट्स वाई किसी भी कंटेनर के सारे सरफेस पे इक्वल प्रेशर डेवलप करता है गैस। यहाँ पे जितना प्रेशर डेवलप करेगा, उतना ही प्रेशर कहाँ डेवलप करेगा? यहाँ पे। तो अगर किसी एक एरिया पे प्रेशर का एक्सप्रेशन निकाल लिया जाए, तो वही तो प्रेशर पूरे गैस का प्रेशर कहलाएगा। हाँ ना, बोलते ही नहीं हैं, समझे नहीं समझे? इसका मतलब मैं अपने डेरिवेशन में क्या करूँगा, किसी एक एरिया पे प्रेशर निकालने जा रहा हूँ, करेक्ट। और उसी प्रेशर, वही प्रेशर को क्या बोल देंगे? प्रेशर ऑफ द गैस, करेक्ट है ना। ठीक है एवरीवन, बट डेरिवेशन से पहले इसको देखिए, यहां देखिए, एक कोई एक सरफेस है, ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, और कोलिजन कैसा होना है भाई? इलास्टिक कोलिजन, करेक्ट। इलास्टिक कोलिजन में जस्ट बिफोर कोलिजन और जस्ट आफ्टर कोलिजन क्या सेम रहता है? वेलोसिटी, डायरेक्शन सेम नहीं, स्पीड, नॉट वेलोसिटी, स्पीड सेम रहता है। क्या सेम रहता है? स्पीड सेम। लेट अस सपोज दिस इज अलोंग एक्स एक्सिस, कोई एक मॉलिक्यूल के लिए मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब ये समझिए कि आप अभी केमिस्ट्री के लिए स्टॉप कर दिए, थोड़ा देर के लिए फिजिक्स पढ़ लीजिए, और इसका मास m है, करेक्ट। और ये इस सरफेस से इलास्टिकली आई, ये वी एक्स स्पीड से जा रहा था, वी एक्स वेलोसिटी से, अलोंग एक्स एक्सिस, अगर सिर्फ एक्स मोशन है, इसका क्या लेंगे? वी लेंगे या वी एक्स? मोशन का नाम पर इसका सिर्फ क्या है? वी एक्स। तो भाई जस्ट बिफोर क्या रहेगा? इनिशियल मोमेंटम का एक्स कंपोनेंट पी आई एक्स, राइट। इसलिए क्या लिख सकते हैं? एम वी एक्स, हाँ या ना, करेक्ट। और जस्ट आफ्टर कोलिजन, अब आप लोग तो ये तो पढ़े हैं ना भाई, लाइट का थ्योरी, रिफ्लेक्शन का, इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल, और नॉर्म ये क्या रहता है? सेम रहता है किसके साथ? नॉर्मल के साथ। तो एक्चुअल में ये इलास्टिक कोलिजन का ही रिजल्ट था, इस पर न्यूटन काम किए हुए हैं, और लाइट पार्टिकल का नाम था फोटोन। तो फोटोन का कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे जो रिफ्लेक्शन होता है, तो सरफेस ऑफ फोटोन के बीच में इलास्टिक कोलिजन सपोज किया गया है। कौन सा कोलिजन? इलास्टिक कोलिजन। तो जितना एंगल से आता है, उतना ही एंगल से जाता है। तो मान लेते हैं कि ये मॉलिक्यूल्स मेरा इसके साथ कोलाइड कर रहा है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना? जीरो, हाँ या ना। यहाँ पे जब कोलाइड करेगा तो इसका नॉर्मल यही रहेगा ना, राइट। इस सरफेस का नॉर्मल जहाँ पे कोलाइड कर रहा है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या रहेगा? जीरो रहेगा। इसका मतलब है कि यहाँ पे जब ये रिफ्लेक्ट करेगा, अगर इसको वी एक्स नाम दे रहे हैं,
तो क्या इसको माइनस वी एक्स बोल रहे हैं? ये अगर वी एक्स है तो क्या हो जाएगा? माइनस वी एक्स, करेक्ट। बट इसका मैग्नीट्यूड डिफरेंट रहेगा, सेम रहेगा, सेम रहेगा, बिकॉज कोलिजन क्या है? इलास्टिक। तो मोमेंट, फाइनल मोमेंटम क्या लिखेंगे सर? माइनस एम वी एक्स लिख दीजिए, है ना। तो चेंज इन मोमेंटम कितना होगा? चेंज इन मोमेंटम, चेंज ऑलवेज होता है फाइनल माइनस इनिशियल। चेंज ऑलवेज क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल, पी एफ एक्स माइनस पी आई एक्स। कितना लिख देंगे स्टूडेंट? माइनस एम वी एक्स और माइनस एम वी एक्स, करेक्ट है ना। कितना हो जाएगा? यहां तक आइए, लिखिए। अब यहाँ देखिए, ध्यान सुनेगा। लेट अस सपोज इस कोलिजन में एवरेज टाइम डेल्टा टी है। लिखिए तो लेट अस सपोज एवरेज कोलिजन टाइम इज डेल्टा टी, एवरेज कोलिजन टाइम इज डेल्टा टी। तो अब बताएं न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या है? और न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई करने, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई करने के लिए योर फ्रेम शुड बी इनर्शियल। मतलब ऑब्जर्वर जहाँ से ऑब्जर्व कर रहा है वो कौन सा फ्रेम में बैठा हुआ है? अदरवाइज क्या न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन लगा सकते हैं? फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करने के लिए फ्रेम कैसा होना चाहिए? किसी का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना चाह रहे हैं न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में, भाई जहाँ भी फोर्स दिखाना चाहते हैं तो फोर्स दिखाने का पावर आपको तभी मिलेगा जब आपका फ्रेम क्या रहेगा? इनर्शियल। विदाउट मेकिंग द फ्रेम इनर्शियल यू कैन नॉट ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम, राइट? क्योंकि आपका फ्रेम इनर्शियल रियल बट नजर ही नहीं आएगा। दैट्स वाई अगर फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं, देखते हैं कभी कभी स्यूडो फोर्स का तो पक्का नाम सुने होंगे, राइट? स्यूडो फोर्स ऐसा नहीं है कि हाँ सर क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए स्यूडो फोर्स, कुछ टीचर बोल देते हैं ठीक है आसान बनाने के लिए होता है, बट उसका मेन थीम है कि स्यूडो फोर्स लगाते हैं जब आप ऑब्जर्वर कहाँ रहता है? नॉन सेल फ्रेम में। तो ऑब्जर्वर के फ्रेम को पहले इनर्शियल बनाते हैं रियल वर्ल्ड, और उसके लिए हम लोग एक स्यूडो फोर्स लगाते हैं। दैट्स व्हाई स्यूडो फोर्स का दूसरा नाम इनर्शियल फोर्स भी है। क्या नाम है? इनर्शियल फोर्स, जो कि हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो अगर एवरेज कोलिजन टाइम अगर इसका डेल्टा टी है तो एफ एक्स क्या रहेगा इस मॉलिक्यूल पे? तो एफ एक्स यही बोलते हैं ना, डेल्टा पी एक्स वाई डेल्टा टी, डेल्टा पी एक्स वाई डेल्टा टी, करेक्ट है यहाँ तक। बट एफ फोर्स किस पे? एक मिनट, ये फोर्स दीवार पे या उस मास पे? मोमेंटम किसका चेंज हो रहा है भाई? चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ सिस्टम डिवाइडेड बाय टाइम टेकन इक्वल टू व्हाट? एफ एक्सटर्नल, क्या बोलते हैं? तो जिस सिस्टम का मोमेंटम चेंज हो रहा है उसी पर फोर्स लगेगा। और कौन लगाएगा? एक्सटर्नल एजेंट। बोले कौन लगाएगा? तो मोमेंटम किसका चेंज हुआ? उस पार्टिकल का, करेक्ट। तो फोर्स किस पे लगेगा? उस पार्टिकल पे। कौन लगाएगा, किसके वजह से चेंज हुआ? ये दीवार नहीं रहता तो जाते रहता, ये दीवार नहीं रहता, ये सरफेस नहीं रहता तो क्या रहता? जाते रहता। इसने इसके मोमेंटम को चेंज कर दिया तो इसके लिए एक्सटर्नल एजेंट कौन हो गया? ये दीवार। इसका मतलब है कि ये जो फोर्स बोलेंगे एफ एक्स इक्वल टू, तो ए एफ एक्स किस पे लगेगा? पार्टिकल पे। कौन लगाएगा? फोर्स ऑन पार्टिकल ड्यू टू वॉल, करेक्ट है ना। और क्या ए लिखा जाए? टू एम वी एक्स बाई डेल्टा टी, आपको हाँ तो बोलना ही पड़ेगा, राइट। अब न्यूटन थर्ड लॉ क्या है? कोई भी बॉडी दूसरे बॉडी पर जितना बड़ा फोर्स लगाता है, इसे बोलना चाहिए बार बार मन में ही, तो दूसरा बॉडी भी पहले बॉडी पर उतना ही बड़ा फोर्स लगाएगा। बट मैग्नीट्यूड में सेम, डायरेक्शन जस्ट, तो इसका लाभ उठाएंगे।
तो बताइए, एक मिनट, सबसे पहले ये बताइए, ए एफ एक्स निगेटिव या पॉजिटिव? मेरा वी एक्स पॉजिटिव था, इनिशियली मेरा वी एक्स क्या था? पॉजिटिव। तो ब्रैकेट तो मेरा पॉजिटिव है, आगे में क्या लगा हुआ है? निगेटिव। इसका मतलब है कि पूरा क्वांटिटी निगेटिव है। इसका मतलब है दीवार इस पार्टिकल पे ड्यूरिंग कॉलिजन के टाइम पे कांटेक्ट में रहा होगा नैनो सेकेंड के लिए, किधर फोर्स लगाया है? अलोंग निगेटिव एक्स एक्सिस। अलोंग व्हाट? निगेटिव एक्स एक्सिस। तो पार्टिकल भी इस दीवार पे उतना ही बड़ा फोर्स लगाएगा। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि आप उस सरफेस पे इस व्हाइट बोर्ड पे या दीवार पे आप एक यहाँ पे पंच मारते हैं, क्या लगता है आपको? नहीं लग चोट लगेगा? कौन सा लॉ से? न्यूटन्स थर्ड लॉ। हम लोग बोलते हैं कि हाँ किसी को पीट दिए, राइट? वो समझते नहीं है कि आपको भी लगा है। दूसरी बात है कि आपका सरफेस थोड़ा सा अलग रहा होगा, करेक्ट, बट इक्वल अमाउंट में आपको भी लग रहा है। दैट्स वाई अगर बोला जाए फोर्स ऑन वॉल ड्यू टू पार्टिकल, तब क्या लिखेंगे? सर मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा, यहाँ पे माइनस वहाँ पे प्लस कर देंगे, तो क्या लिखेंगे? 2m वी एक्स वाई डेल्टा टी। यहाँ तक अगर समझ में आ गया तो आगे थ्योरी बढ़ाऊंगा। बट ए कौन सा लॉ से? सेकेंड लॉ। अरे कौन सा लॉ से? लिख लीजिएगा न्यूटन फ्रॉम न्यूटन थर्ड लॉ। इसको हटाएं एवरीवन। यहां तक समझ में आ गया है? अच्छा, अब यहां देखिए, ये मेरा कोई क्यूबिकल कंटेनर है, क्या है? और यहां से यहां तक का इसका एज लेंथ एल है, करेक्ट? एज लेंथ कितना मान रहा है? एल। और ये एक्स एक्सिस है, तो ये कौन सा प्लेन रहेगा? वाई जेड प्लेन रहेगा। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है? अब यहां देखेंगे, और यहां पे क्या एक ही मॉलिक्यूल है या सो मेनी मॉलिक्यूल्स है? मान लेते हैं यहां पे एन मॉलिक्यूल्स है एवरीवन। कितना मॉलिक्यूल्स? एन मॉलिक्यूल, करेक्ट। एंड ईच मॉलिक्यूल, वी सपोज दैट ईच मॉलिक्यूल मूविंग विद डिफरेंट डिफरेंट स्पीड। इसका मतलब यह हुआ ईच मॉलिक्यूल मूविंग विद डिफरेंट डिफरेंट वी एक्स, ईच मॉलिक्यूल मूविंग विद डिफरेंट डिफरेंट वी एक्स, करेक्ट। तो पार्टिकल वन का हम लोग वी वन एक्स बोलेंगे, पार्टिकल टू का क्या बोलेंगे? वी टू एक्स बोलेंगे, पार्टिकल थ्री का क्या बोलेंगे? वी थ्री एक्स बोलेंगे, एग्री ना? अब यहां से देखिए, कोई वन ऑफ द मॉलिक्यूल अगर यहां से कोलाइड करने के बाद एक कॉलिजन यहां पे हो गया, वो लास्ट कर गया, नेक्स्ट कॉलिजन होने में उसको कितना टाइम लगेगा इसी मॉलिक्यूल को? तो सर एक कॉलिजन जब एक खत्म किया, कोई एक पार्टिकल है मेरे पास, फर्स्ट पार्टिकल है, मतलब पार्टिकल वन, ऑल पार्टिकल नहीं, पार्टिकल वन, ये अपना वन ऑफ द कॉलिजन, कोई एक कॉलिजन किया होगा, वो कॉलिजन खत्म हो गया, उसका कहानी, वो इवेंट खत्म। अब नेक्स्ट कॉलिजन के लिए यहाँ से ये चल दिया, वापस कितना टाइम के बाद कोलाइड करेगा? तो सर यहाँ से इसी सरफेस पे, यहाँ से यहाँ आएगा, अब वापस यहाँ से यहाँ आएगा, है ना? उसमें कितना टाइम लगेगा? तो सर टोटल डिस्टेंस बाई टोटल डिस्टेंस बाई क्या कर दीजिए? टाइम टेकन इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाई स्पीड करिए। तो इसका स्पीड यहाँ से वापस क्या? वी वन एक्स स्पीड, वी वन एक्स का मॉडुलस। और जब इससे कोलाइड करेगा तो आने के टाइम पे भी इसका वी वन एक्स का मॉडुलस ही रहेगा, क्यों? कोलिजन में इसका स्पीड चेंज नहीं होगा। तो यहाँ से यहाँ तक जाएगा, अब वापस आएगा, तब फिर कोलिजन करेगा, है ना? तो कितना टाइम? 12 बाई वी वन एक्स का मॉडुलस, है ना? इसी को बोलते हैं एवरेज टाइम ऑफ वन ऑफ द कोलिजन। क्या बोलेंगे? एवरेज टाइम ऑफ वन ऑफ द कोलिजन। इसको समझने के लिए बढ़िया से मैंने ये काम किया कि एक कोलिजन मेरा खत्म हो गया, तो फिर नेक्स्ट कोलिजन के लिए कितना, जितना टाइम लगेगा,
टाइम ड्यूरेशन बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव कॉलिजन को हम लोग क्या मानेंगे, एवरेज कॉलिजन टाइम, करेक्ट। तो मान लेते हैं कि मेरा इस पार्टिकल का स्पीड v1x है, क्या है v1x, तो इसके लिए एवरेज टाइम को डेल्टा t1 बोलते हैं। एवरेज टाइम के लिए कितना बोलेंगे, डेल्टा t1। और डेल्टा t1 के लिए क्या लिखेंगे भाई, 12 बाई v1x तो लिख सकते हैं। एंड दिस इज कॉल्ड व्हाट, एवरेज कोलिजन टाइम ऑफ पार्टिकल फर्स्ट। क्या सारे पार्टिकल का एवरेज कोलिजन टाइम सेम रहेगा या अलग अलग रहेगा? ऑल पार्टिकल मूविंग विद डिफरेंट डिफरेंट वी एक्स, ऑल पार्टिकल मूविंग विद डिफरेंट डिफरेंट वी एक्स, करेक्ट। तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, एवरेज कोलिजन ऑफ फर्स्ट पार्टिकल। लिखिए एवरेज कोलिजन ऑफ, एवरेज टाइम, एवरेज कोलिजन टाइम फॉर फर्स्ट पार्टिकल। हाँ स्पीड, क्योंकि यहाँ पे टाइम टेकन के लिए, तो यहाँ पे हम लोग डिस्टेंस बाय स्पीड बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक जाने का कितना रहेगा, यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम निकालेंगे तो डिस्टेंस कितना कवर किया इधर, एल। तो क्या लिखेंगे, क्या इसका वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट लेंगे, वो तो निगेटिव रहेगा अकॉर्डिंग टू माई कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो वहाँ पर वी एक्स का मॉडुलस लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम एल बाई वी एक्स का मॉडुलस, और यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम अगेन एल बाई, तो कहीं कहीं पे वी एक्स पॉजिटिव रहेगा, कहीं कहीं पे निगेटिव रहेगा, तो ऐसे तो जोड़िएगा तो टाइम जीरो नजर आएगा। तो जाने और आने का टाइम के लिए क्या हम लोग यहाँ पे क्या कर दिए, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल, टोटल डिस्टेंस बाई स्पीड, टोटल डिस्टेंस बाई स्पीड ले रहे हैं। तो स्पीड की वजह से मैंने इसको मॉडुलस लिया, ठीक है। चलिए यहाँ तक सब कुछ, हाँ आप लोग कैसा क्वेश्चन पूछते हैं, पार्टिकल रेस्ट में क्यों आएगा भाई, गैस पार्टिकल को रेस्ट में आने के लिए, गैस पार्टिकल को किसी को भी रेस्ट में आने के लिए -273 डिग्री पे जाना पड़ेगा। कितना डिग्री पे, नहीं जब तक उसके पास टेम्परेचर रहेगा स्पीड जीरो होगा। लिक्विड में भी क्या मॉलिक्यूल जीरो रहता है, जीरो स्पीड में शांत जल या मूव करते रहता है, तो गैस का स्पीड का जीरो करने के लिए उसको कहाँ तक लेके जाना पड़ेगा, इसलिए स्पीड जीरो क्यों होगा। अब प्लस पहले ही बोल दिए हैं कि यार किसी टेम्परेचर पे है, बाद में आपको पता चलेगा, ऐसे आप लोग आए का बात पहले ही पूछ लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 3/2 nRT, इसको भी देखिए अगर भूल जाइएगा, ठीक है, अभी समझ में नहीं आएगा, अब पहले से कोई पढ़े हुए हैं तो थोड़ा बहुत नज़र आएगा, राइट। काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन का एनर्जी कितना होता है, 3/2 nRT, करेक्ट। तो किसी सैंपल ऑफ गैस के लिए है नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस, तो भाई टी जीरो तब ना काइनेटिक जीरो, अब हाँ ना बोलते ही नहीं है, क्वेश्चन पूछकर भाई हाँ ना बोलना है। टी जीरो तो ए जीरो, ए जीरो तो स्पीड जीरो, ए जीरो तो स्पीड जीरो होने के लिए क्या करना पड़ेगा गैस के लिए, मानते हो गैस के फॉर्म में रहते ही स्पीड जीरो करना चाहते हैं, तो इसका मतलब है इसका वैल्यू जीरो रखना पड़ेगा। और टेम्परेचर इन केल्विन जीरो मतलब कहाँ, -273, करेक्ट। तो यहाँ से ये भी बोल सकते हैं कि टेम्परेचर कम करेंगे तो इसका काइनेटिक कम होगा तो स्पीड कम होगा। दिस इज द वजह कि गैस को लिक्विफाई करने के लिए, क्या करने के लिए, गैस को लिक्विड फॉर्म में लाने के लिए टेम्परेचर को डाउन भी करते हैं। डाउन करने से क्या होगा, मॉलिक्यूल शांत होगा, स्पीड कम होगा, कम होते तो पास आकर लिक्विड फॉर्म में चला जाएगा। बट थोड़ा टफ टाइम दीजिए, राइट। पहले तो ये ड्रॉ करते हैं, हाउ टू ड्रॉ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ड्रॉ बाय वेसल के बच्चे, या पहले ही पढ़ लेते हैं, बट द स्क्रिप्टिव हॉरर्स ड्रॉ ही नहीं करने आ रहा है, तो पहले मुझे थ्योरी को आगे पढ़ाना चाहिए, अगर पहले से आप जानते भी हैं तो थोड़ा वेट कीजिए। अब पहले अगर बोल दिया कि अगर यहाँ इसका टेम्परेचर टी है, टी जीरो नहीं है, तो टी जीरो नहीं तो डैमेज फॉर स्पीड रहेगा, स्पीड चेंज होगा एट पार्टिकुलर टेम्परेचर पे। स्पीड किसी पार्टिकल का, पार्टिकल फर्स्ट का स्पीड अगर v1x है, एक्स अगर v1x है, तो कोलिजन तो पहले ही बोल देगा कि कहाँ इलास्टिक कोलिजन है, तो इलास्टिक कोलिजन है तो कोलिजन के वजह से भी इसका स्पीड कम होगा क्या। पहला ही एजम्पशन क्या था, सिर्फ एजम्पशन लिखे हैं या उसको फिल भी किए हैं, एजम्पशन था कि भाई इसका का इलास्टिक कोलिजन है, तो किसी एक मॉलिक्यूल का इसमें स्पीड अगर 10 मीटर पर सेकेंड है और टेम्परेचर को कॉन्स्टेंट किए हुए हैं, तो उस टाइम पे ऑल द टाइम उसका 10 मीटर पर सेकेंड ही रहेगा, चाहे जितना भी कोलिजन होता रहे, क्योंकि हर कोलिजन में उसका स्पीड चेंज
नहीं होगा, चाहे जिसके साथ भी कोलाइड करेगा, बिकॉज कोलिजन इज व्हाट? इलास्टिक कोलिजन। समझ में आ गया बात को? या ये सोच रहे हैं सर इतना कोलिजन करेगा, कोलिजन करते करते तो सर जीरो हो जाना चाहिए, स्पीड ख़त्म। कोलिजन कर रहा है लेकिन खास कोलिजन कर रहा है जिसका नाम क्या है? इलास्टिक कोलिजन। तो हाँ, वो मार्केबल पॉइंट जो था उसको मैं सिर्फ लिखने के बोला था, समझते हुए लिखने के लिए बोला था। एनी वे कोई बात नहीं है, अब मेरा क्वेश्चन का आंसर दीजिए। मान लेते हैं एक प्लास्टिक का बॉल है, आपका सरफेस बिल्कुल फ्रिक्शनलेस है, प्लास्टिक का बॉल ऐसे यहाँ पे जंप की यहाँ से रिलीज किए, करेक्ट, यहाँ से रिलीज कर रहे हैं, अगर उस थोड़ा साउंड किया कोलिजन के टाइम पे, तो उस कोलिजन को इलास्टिक कोलिजन बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? नहीं बोलेंगे, क्योंकि उसका सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गया? साउंड एनर्जी में, और साउंड इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ व्हाट? एनर्जी। तो उसका स्पीड क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो सर आवाज़ तो पक्का होगा ही होगा, राइट, बट आइडियली तो मान सकते हैं कि कोलिजन इज व्हाट? तो एक जो इलास्टिक कोलिजन है वो आइडियल सिचुएशन है। क्या है? आइडियल। इतना प्रोजेक्टाइल, आज तो प्रोजेक्टाइल मोशन आने वाला भी है, इतना प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ाए हैं, रियल प्रोजेक्टाइल ऐसा होता है क्या? रियल प्रोजेक्टाइल भाई बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड अभी समझिएगा क्या आप, आगे चलकर धीरे धीरे समझ में आएगा ना। रियल प्रोजेक्टाइल के लिए तो आप मिसाइल के लिए प्रोजेक्टाइल का काम करेंगे, तो उसमें जी का वेरिएशन पूरे अर्थ पे देखना पड़ेगा, हाँ ना, बोलिए, एग्री। और उसके बाद क्लाइमेट भी देखना पड़ेगा, कहाँ का क्लाइमेट कैसे चेंज हो रहा है, एयर ड्रैग भी देखना पड़ेगा, दूसरे से का ग्रह का जी का इफेक्ट भी देखना पड़ेगा, और तब एकदम पार्टिकुलर उसी पॉइंट पर स्ट्राइक भी करना है। तो बहुत कॉम्प्लिकेट, और जो आप प्रोजेक्टाइल करते हैं वो बिल्कुल टू डायमेंशनल प्रोजेक्टाइल करते हैं, पर देख रहे हैं मिसाइल ऐसे जाके ऐसे भी घूम जाता है, तो टू डायमेंशनल प्रोजेक्टाइल होता है, थ्री डायमेंशनल। बट स्टार्टिंग तो ABCD से ही करेंगे डायरेक्ट, कि आप बिल्कुल फोनेटिक्स पढ़ लेंगे, आप LKG में हैं, आप सर अमेरिकन लैंग्वेज सीखना, फोनेटिक्स पर ध्यान दे रहे हैं, तो वो तो नहीं होगा ना, धीरे धीरे लाहे लाहे होगा। आप लोग अभी रहने दीजिए प्लीज़ भाई, अभी रहने दीजिए, मुझे थ्योरी को थोड़ा आगे बढ़ा दीजिए, बाकी जितना भी क्वेश्चन रहेगा एक दिन मेरे साथ बैठिएगा, आप लोग के मन में जितना भी बाकी क्वेश्चन है आउट ऑफ द वे वो बैठेंगे एक दिन, ठीक है, सिलेबस ख़त्म करने के बाद आपका मैं बात सुनूंगा। साहिल सर नहीं, पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ तक समझ में आ गया? चलिए तो भाई यहाँ पे हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स? N मॉलिक्यूल्स। तो भाई F1X, अब मैं किस पे निकाल रहा हूँ? सरफेस पे, ड्यू टू व्हाट? फर्स्ट पार्टिकल। तो क्या लिखें, क्या था फॉर्मूला? 2mv1x बाय डेल्टा T1, करेक्ट, यहाँ तक सही है। अगर F2X मतलब किसके वजह से? सेकेंड पार्टिकल की वजह से, राइट, तब क्या लिखेंगे? 2mv2x बाय व्हाट? डेल्टा T2। और डेल्टा T1 कितना है? 2mv1x और डिवाइड बाय v1x का मॉडुलस। तो इसको क्या इतना लिख सकते हैं? 2mv1x का स्क्वायर बाय 12, हाँ या ना? और क्या 2 और 2 को कैंसिल कर दें? उसी तरीके से सिमिलरली यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2mv2x बाय 12 बाय v2x। तो डायरेक्टली लिख दें mv2x का स्क्वायर बाय l एंड सो ऑन nth पार्टिकल का, तब क्या लिखेंगे? और सबका मास तो मॉलिक्यूल, अगर गैस सेम ऑफ वन ऑफ द गैस के लिए बात कर रहे हैं तो सबका मास ऑफ द हर मॉलिक्यूल का मास तो सेम रहेगा, तो इसके लिए क्या लिख देंगे? mvn x का स्क्वायर बाई l। इसको हटाया जाए, तो अब बताइए स्टूडेंट, टोटल फोर्स
ऑन बाइजेड प्लेन कितना हो जाएगा सर? सारे फोर्स का सम कर देते हैं तो सारे फोर्स का सम क्या रहेगा? इन सब में कॉमन क्या रहेगा भाई? इन सब में कॉमन रहेगा एम बाई एल। अब ब्रैकेट में क्या रहेगा? वी वन एक्स स्क्वायर प्लस वी टू एक्स स्क्वायर प्लस वी थ्री एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन। यहां तक हो गया? अगर आप लोग को प्रॉब्लम नहीं है, यहां तक समझ में गए तो आगे बढ़ूंगा। यहां तक समझ में आ गया स्टूडेंट? एक काम कर सकते हैं, एन से मल्टीप्लाई करके एन से डिवाइड कर दें। एन से मल्टीप्लाई करके एन से डिवाइड कर सकते हैं ना? अब एक क्या रहेगा इस पार्ट को हटाए? डेरिवेशन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग कर सकते हैं या कॉम्प्लिकेटेड, जिसको मैं कोशिश कर रहा हूँ आसान बनाने का, ठीक है? एम एन बाई एल, क्या इसको ये बोल सकते हैं भाई? आया ना? और एम एन बाई एल इसको वन बाई थ्री वी आर एम एस का स्क्वायर बोल सकते हैं? कहीं पे लिखे थे दिस वन इक्वल टू दिस वन, लिख लीजिए। ए है टोटल फोर्स ऑन बाइजेड प्लेन, टोटल फोर्स ऑन व्हाट? दिस बाइजेड प्लेन। तो प्रेशर ऑन बाइजेड प्लेन, और जो बाइजेड प्लेन पे प्रेशर रहेगा वही तो हर प्लेन पे सरफेस पर रहेगा, करेक्ट? तो प्रेशर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? टोटल फोर्स बाय टोटल एरिया, फोर्स बाय सिर्फ एक पार्टिकल का फोर्स लिया या सारे पार्टिकल का फोर्स काउंट कर लिए थे? सारे पार्टिकल का, सबका अलग अलग फोर्स निकाला, सबका अलग अलग एवरेज कोलिजन टाइम निकाला, सम कर दिए, राइट? और उसके और यहाँ तक आने के लिए बहुत सारा लॉ का यूज़ किया है, न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ, राइट? एवरेज कोलिजन टाइम क्या होता है, और आप लोग भी सपोर्ट किए, कॉपरेट किए। अब यहाँ के बाद लास्ट मोमेंट में पी इक्वल टू एम एन बाई एल वन बाई थ्री भी आर एम एस का स्क्वायर और डिवाइड बाई क्या एल स्क्वायर लिख दे। मैंने अपने जम्पशन में क्यू मान के चला था, मैंने अपने जम्पशन में क्या मान के चला था? क्यू, जिसका एज लेंथ कितना था? एल था, करेक्ट है ना? अब यहां देखिए स्टूडेंट, ये क्या है? पहले यहां तक ही आ जाते हैं, वन बाई थ्री एम एन बाई एल क्यू भी आर एम एस का स्क्वायर, जिसको बॉक्स में बनाते हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है? यहां देखेंगे एवरीवन, इसको क्या पूरे मास ऑफ द सैंपल बोल सकते हैं? एक मॉलिक्यूल का मास m, और मेरे पास मॉलिक्यूल है n, एक वन ऑफ द पार्टिकल का मास m, कितना पार्टिकल? तो क्या इसको बोल दिया है मास ऑफ द सैंपल? और एल क्यू क्या है सर? वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। अब मास बाय वॉल्यूम क्या होता है? डेंसिटी होता है, करेक्ट? यहां पर भी स्टैंड फॉर वॉल्यूम, भी स्टैंड फॉर वॉल्यूम, ये लिख लीजिएगा, ये मैं वॉल्यूम लिख रहा हूं। और अब देखिए, अगर मुझे शॉर्टकट चलना रहता, कभी कभी होता है नहीं, पढ़ाने का मन नहीं कर रहा है, राइट? उसमें बोलते सर स्टूडेंट मेरे ऊपर ट्रस्ट कर लीजिए, ऐसा होता है, बट एलेवेंथ क्लास में सब कुछ डिराइव करते हैं ताकि आपको इंटरेस्ट रहे। तो एक्चुअली फार्मूला इज दिस वन, पी इक्वल टू वन बाई थ्री रो वी आर एम एस का स्क्वायर, करेक्ट? ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तो एक्चुअल में पी वी इक्वल टू एन आर टी का डेरिवेशन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में ही, आइडियल गैस के लिए ही किया गया है, और यहाँ से ही चीज़ें स्टार्ट हुआ था, ठीक है? तो पी इक्वल टू क्या आज के बाद?
वन बाई थ्री रो वी आर एम एस का स्क्वायर। तो अगर डेरिवेशन आप भूल भी गए तो इतना से भी मेरा काम चल जाएगा अगर इसको जान रहे हैं तो। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? एग्ज़ाम में अगर आ जाएगा, हालांकि आने का चांस कम है, बहुत आने का चांस 1% स्कूल के एग्ज़ाम में, इंट्रेंस में तो आएगा ही नहीं डेरिवेशन, डायरेक्टली उसका यूज करना है, राइट। बट आ भी गया तो डिराइव कर लीजिएगा, डिराइव फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ पी इक्वल टू 1/3 रो वी आर एम एस का स्क्वायर, और जो डेरिवेशन दिखाए हैं वो देख लीजिएगा। हालांकि एच सी बी में भी इसका डेरिवेशन किया हुआ है, और उससे भी मैं आसान लेकर करने की कोशिश किया था, जितना आसान हो सकता है आपके लिए। ठीक है, तो आज का क्लास इतना ही रहने देते हैं, यहाँ से ही नेक्स्ट संडे को। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।